इस तरह का कोई प्रावधान यहाँ पर यहाँ नहीं देखा जाता है। तो रात्रि प्रहरी नहीं रहता है, ये रात्रि प्रहरी यहाँ पर बहाल है। जो रात्रि प्रहरी का जिम्मेदारी बनता है कि कौन आदमी आता है, क्या जाता है, लिखित रूप से कोई सूचना देना चाहिए। ये सब कार्य हो जाता है गलत। अब अगर हुआ है, अगर उसकी जानकारी में है, तो इसकी सूचना प्रधानाध्यापक को देता है या यहाँ मुखिया को देता है या फिर स्थानीय थाना है इमामगंज। गोल लगातनी समाचार बटुए गया से रिपोर्टर बानी रमेश कुमार जी। खबर के हेडलाइन सुनी, बड़ा खबर आ रहा बटुए। स्कूल बनल शराबियन के अड्डा, खबर का बटुए सब बताई भोजपुरिया समाचार। स्कूल के शिक्षक का साथे साथ जनप्रतिनिधि के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। खबर के अंत तक बनल रही चैनल पर, नया बानी तो सब्सक्राइब कर ली, देखला के बाद शेयर जरूर करी। खबर का बा विस्तार से जानी। गया जिला के नक्सल प्रभावित इमामगंज में शराबबंदी के माहौल उड़ावल जा रहा बा। कहे के तो बिहार में पूरा शराबबंदी बा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी के लेके नया नया कानून बना रहा बानी। एकरा के लेके अधिकारी के कई गो टास्क दिहल जाता, लेकिन जब खबर के रूरा देख तो हैरान रह जाए। ऐसने मामला इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के झिकटिया कला मध्य विद्यालय उच्च विद्यालय, एक दिन शराबी या नशेड़ी के अड्डा बन गई बा। स्कूल परिसर शाम ढलते शराबी के अड्डा बन जाला, एहजा रात के अंधेरा में शराबी स्कूल पहुंच जालन आ बड़ा शौक से शराब के मजा लेवेलन। यहाँ तक कि शराबी शराब पियला के बाद शराब के खाली बोतल स्कूल कैंपस से लेके स्कूल के बरामदा में फेंक देलन। जब समय के अनुसार विद्यालय 9 बजे के बाद विद्यालय के शिक्षक और अन्य बच्चा स्कूल पहुँचेलन तो शराब के खाली बोतल मिलेला। यहाँ तक कि ओजा के शिक्षक शराबी के द्वारा फेंकल गई शराब के खाली बोतल के खुद से साफ ना करे के बजाय लइकन से साफ करवावेलन। लेकिन सवाल ये उठता कि विद्यालय में रात्रि प्रहरी खातिर गार्ड के तैनाती कर गई बा तो शराबी के झुंड विद्यालय में कैसे पहुँच जा रहा बा। का स्कूल के रात ना ठहरेलन, स्कूल में गार्ड राति के ना ठहरेलन, या वो भी शराब के नशा में धूत रहेलन। जब संवाददाता स्कूल परिसर में शराबी के द्वारा फेंकल गई शराब के बोतल के लेके स्कूल प्रबंधन और प्रशासन से छुट्टी के बाद स्कूल परिसर में दबिश देके नशाखोर के खिलाफ कार्रवाई के मांग कैले बाड़े, वही संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिवव्रत प्रसाद बतैनी कि विद्यालय परिसर में चारों तरफ से चार दीवारी नहीं खे। यही कारण बा कि शाम ढलला के बाद अंधेरा के फायदा उठा के शराबी के झूठ विद्यालय पहुँच के नशाखोरी करेला। जब सुबह विद्यालय पहुँची न जाए तो शराब के खाली बोतल फेंकर मिलेला, लेकिन विद्यालय में देखरेख खातिर एगो रात्रि प्रहरी यानी नाइट गार्ड के बहाली बा। एकरा बाद भी शराबी कैसे विद्यालय में पहुँच रहा बड़न ई तो जांच के विषय बा। एकरा के लेके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या थाना के सूचित करके कार्रवाई के मांग करब। वही संबंध में झिकटिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मंटू कुमार बतैनी कि विद्यालय में एक तरह के बराबर शिकायत मिलत रहेला। विद्यालय में रात्रि प्रहरी होला के बाद शराबी के अड्डा कैसे बनल बा जांच के विषय बा। रात के तो बात अलग, विद्यालय में दर्जनों शराब की बोतलें बिके हुए है, क्या है कारण, क्या है? स्कूल के बाद कुछ सामाजिक तत्व के लोग हैं जो यहाँ सुन सपाटे देखने के बाद इस तरह से कार्य करते हैं, कहीं कहीं से लान के बोतल यहाँ पर बिखरा देते हैं। तो जिम्मेदारी किसका, आप लोग जिम्मेदारी नहीं बनता है कि दिन में भी दिन में देख रहे हैं शराब की बोतल बिगा हुआ है? जब स्कूल खुलता है, स्कूल बंद होने तक के इस तरह का कोई प्रावधान यहाँ पर यहाँ नहीं देखा जाता है। तो रात्रि प्रहरी नहीं रहता है, रात्रि प्रहरी यहाँ पर बहाल है। जो रात्रि प्रहरी का जिम्मेदारी बनता है कि कौन आदमी आता है, क्या जाता है, लिखित रूप से कोई सूचना देना चाहिए। जैसे हम विद्यालय खोलते हैं, आप तो देखते हैं शराब की बोतल बिगे हुए, साफ करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? जिम्मेदारी नहीं बनता है आपका? यहाँ पर कोई पीने चपरासी का यहाँ पर बहाल नहीं किया गया है, और इसके हिसाब से फिर हम लोग चारों तरफ देखते हैं। जो सर सफाई करना महात्मा गांधी का है, स्वच्छ रखना, खुद सफाई कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है? विद्यालय के ग्राउंड के बाहर की किनारा पर इस तरह से चारों तरफ दिखाई देता है। तो क्या इसको लेकर कहीं कंप्लेंट कर रहे हैं आप लोग, नहीं कर रहे हैं? कंप्लेन तो हम लोग यहाँ का जो ग्राम पंचायत मुखिया है उनका निर्देश देंगे, इस तरह से हमारे स्कूल में किया जा रहा है। अपना नाम बता दीजिए। शिवव्रत प्रसाद। क्या है यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक? उच्च विद्यालय झिकटिया कला में कैंपस में शराब की बोतलें दर्जनों बिके हुए हैं,
क्या देखेंगे उसको, किस तरह से आपकी जिम्मेदारी आपकी ही बनती है शराब बंदी को मुक्त करने को लेकर, क्या आपका जिम्मेदारी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि हम मुखिया प्रतिनिधि हैं, हम पूरे पंचायत का है, तो कहाँ पर क्या हो रहा है जब तक हमको कोई पब्लिक जानकारी नहीं देती है तो हमको क्या पता है। तो आपके माध्यम से हमको जानकारी हुआ कि उच्च विद्यालय के प्रांगण में शराब की बोतल है, तो दिन में तो शराब का बोतल भीगा नहीं गया होगा या दिन में तो लोग पिया हुआ नहीं होगा। अगर रात में होता है तो रात में तो यहाँ भाई रात्रि प्रहरी रहता है, तो रात्रि प्रहरी को जिम्मेवारी बनता है ना कि यहाँ क्या होता है या नहीं होता है। कुछ दिन पहले एक पानी का टंकी यहाँ से गायब हो गया, तो आखिर रात्रि प्रहरी यहाँ नियुक्त है और रात भर यहाँ ड्यूटी देता है, तो कैसे ये सब कार्य हो जाता है गलत। अब अगर हुआ है, अगर उसकी जानकारी में है, तो इसकी सूचना प्रधानाध्यापक को देता है या यहाँ मुखिया को देता है या फिर स्थानीय थाना है इमामगंज वहाँ देना चाहिए। ते तो हमको जानकारी में तो है नहीं, लेकिन आपके माध्यम से हमको जानकारी हुआ है कि इस तरह का है, तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जैसे मान के चलिए ढीका फोड़ रहे हैं सिर्फ रात्रि प्रहरी पर आप लोग, यहाँ प्रिंसिपल का जिम्मेदारी नहीं होता है? स्कूल प्रिंसिपल हो गए हैं, स्कूल में आते हैं, अगर प्रिंसिपल अगर देखे हैं बोतल तो उनको रात्रि प्रहरी से संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ये कहाँ से बोतल आया, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। क्या ऐसा इसको लेकर आप क्या कहीं जाइएगा प्रशासन से और कहीं इसको लेकर आप क्या? तो चाहेंगे कुछ स्तरीय जाँच हो, आखिर क्या मतलब इस तरह का हो रहा है यहाँ पर, गैरकानूनी काम अनलीगल काम होता है, इसको उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम अरुण कुमार उर्फ मंटू, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत झिघटिया कला इमामगंज।